तो कैसे हैं आप सब? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप। अगर आप ऑयल पेस्टल की हेल्प से ड्राइंग बनाते हैं तो आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए और आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप ऑयल पेस्टल बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, कुछ हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, ये मेरी 100% गारंटी है दोस्तों। पहले हम आपको बता देते हैं इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले स्टेप में हमने यहाँ पर नीचे एक देखिएगा, ये हमारे पास एक पेपर यानी कि पेपर टेप है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको इसको ओपन करके भी दिखा देते हैं। इस तरह आपको एक पेपर टेप की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल टेप आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल टेप लेंगे तो जब आप इसको उखाड़ेंगे यानी कि जब साइड साइड में हम जो पेपर लगाते हैं जब उखाड़ेंगे तो वो हमारा पेपर भी साथ साथ में निकल जाता है। अगर आप ये पेपर टेप यूज करते हैं तो वो पेपर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और आपको इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, देखिए ये आपका ऑयल पेस्टल है। नॉर्मली ऑयल पेस्टल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास डोम्स का ऑयल पेस्टल है, बहुत ही बढ़िया ऑयल पेस्टल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 50 यानी कि 50 कलर, अलग अलग कलर के, कुछ लाइट कलर हैं, कुछ डार्क कलर हैं, अलग अलग दिए रहते हैं। और आपको एक इसमें पेपर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम ड्राइंग बनाएंगे, ये हमारा एक A4 साइज का पेपर आप ले सकते हैं। ले सकते क्या है, आपको A4 साइज पेपर ही लेना होगा दोस्तों। अब देखिएगा, और आपको एक यहाँ पे टिश्यू पेपर, ये हमारा नॉर्मल टिश्यू पेपर है। आप जब शादी या बारात में जाते होंगे तो आपको थाली के नीचे वहाँ पर टिश्यू पेपर मिला हुआ दिखेगा, तो आप इस टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं। ये हमारा इतना बड़ा टिश्यू पेपर है, बहुत ही बढ़िया है, ये आप देख सकते हैं। और इसको हम 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उसको इसे फोल्ड करके जो हम कलर करेंगे ऑयल पेस्टल की हेल्प से उसको रब करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको ऑयल पेस्टल करना चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पेपर को पेपर टेप की हेल्प से यहाँ पे चारों तरफ से आपको चिपकाना होगा। हमने यहाँ पे एक साइड छोड़ दिया है क्योंकि हमारा ये पेपर ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब देखिएगा आपको करना क्या है, यहाँ पे हम ऑयल पेस्टल को कैसे यूज करेंगे। देखिए नॉर्मली लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा रफ करते हैं, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद थोड़ा लाइट करिए, यहाँ पे ऊपर के साइड में लाइट रखिएगा और नीचे के साइड में हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इस तरह हो गया। अगर आप इस तरह करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, इस तरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हम यहाँ पे भी आपको कलर करके दिखा देते हैं, ये देखिएगा आप यहाँ पे थोड़ा लाइट करिएगा, लाइट करने के बाद थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। अगर आप इस तरह जैसे आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं ऑयल पेस्टल का, तो आप अगर इस तरह करके छोड़ देते हैं तो आप बिल्कुल भी इस तरह बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों, हम आपसे बार बार कहते हैं। आपको करना क्या है, ये हमारा एक टिश्यू पेपर है, हमने आपसे शुरू में ये बताया था। इस टिश्यू पेपर का यूज क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, आपको करना क्या है, इसको फोल्ड करिएगा, पहले 4-5 बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह आपको पकड़ना है, और यहाँ पर जब आप इसको ऐसे रब करेंगे तो आपका बहुत ही क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा ये हमारा पूरा कलर मिल जाएगा, इस तरह आप इसको रब करेंगे। और इस और दोस्तों जो हम आपने कई ऑयल पेस्टल देखे होंगे जिसमें ब्लैक कलर में दिखता है, आप इसको करने के लिए मार्कर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे कुछ ट्री बना दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे ऐसे करिए, ऊपर के साइड में आगे की तरफ बढ़ाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पे पतला कर दीजिए, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे आप ब्रांचेस निकाल दीजिएगा, इधर भी आप ऐसे निकाल दीजिए। इस तरह आप जब मार्कर की हेल्प से करेंगे तो इसमें बहुत ही क्लियर हमारा बन जाता है। और इसको हम पूरा ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे ऐसे ब्लैक कर दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ डार्क पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप ऐसे रब करिएगा, ये देखिए दोस्तों हमने इसको रब कर चुके हैं पेपर की हेल्प से। अब आपको करना क्या है, पहले आप ऐसे एक फ्लावर यहाँ पे बना दीजिएगा, एक यहाँ पे करिए, देखिए ये हमारा डार्क पेंसिल है तो बहुत ही क्लियर बन रहा है। आप यहाँ पे ऐसे फ्लावर बना दीजिए, एक लिप्स बना दीजिएगा, या जो भी आप यहाँ पे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। जब आप इसको पूरा ऐसे ब्लैक करेंगे तो आप जब भी ऑयल पेस्टल से ड्राइंग बनाइए तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और
और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कैसे हम ऑयल पेस्टल का यूज करते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ब्लैक कर दीजिए, इधर भी आप ऐसे नॉर्मली ब्लैक कर दीजिएगा।